नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं आज तक ऑनलाइन। हमारे साथ मेहुली घोष हैं और मेहुली का परिचय ये है कि ये शूट करती हैं, लेकिन ये शूट उस तरीके से नहीं करती जैसे अपराध और तमाम चीज़ें, ये खेल में शूट करती हैं और ये हमारे देश को जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणी में प्रतिनिधित्व करती हैं हमारे देश का। मेहुली, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपकी उम्र अभी, जैसा मैं पढ़ रहा था, 18 साल है, अभी पूरा आगे का लाइफ बचा हुआ है, क्या प्लान है आगे आपका, कहाँ तक जाने का विचार है, क्या सोच रही हैं आप कि आगे मैं और भी अच्छा परफॉर्म करूँ शूटिंग में एंड एक दिन मैं वर्ल्ड नंबर वन बनूँ शूटिंग फिल्म में, सीनियर में। एंड आगे अभी नेक्स्ट मंथ में मेरा यूथ ओलंपिक्स है, तो उसमें मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूँ, उसमें यही काफ़ी है। तो अगर आप वर्ल्ड नंबर बन जाएंगी तो हमें इंटरव्यू देंगी फिर से, है ना? ज़रूर, आज तक के दर्शकों से बात करेंगी। ज़रूर ज़रूर। दूसरा सवाल ये है, कई बार लोग, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान और अच्छा टाइप से। आप खेल कूद के अच्छा बढ़ रही हैं और देश को भी आगे लेकर के जा रही हैं, तो जो नए लड़के नए लड़कियां हमें देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्या कहेंगी मेहुली उनसे? अभी जो वो जो लाइन है अभी पूरा वो उल्टा हो चुका है कि अभी उल्टा नहीं कह सकती मैं, क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छे कर रहे हैं बहुत सारे एंड काफ़ी अच्छे करेंगे भी आगे। मैं कहूँगी कि दोनों एक साथ करो एंड स्पेशली जो आपको अच्छा लगे वो करो, कि फिर ही कोई भी बच्चा या इंसान उसे भी आगे बढ़ सकता है जो उसको पसंद है, जो उसको करना होगा वही वो करे एंड आगे बढ़ते जाए। मेहुली, आम लोगों ने एक खिलाड़ी का जीवन कितना मुश्किल होता है ये तब महसूस किया जब फिल्म दंगल आई। लोगों ने देखा कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक मेडल के लिए, एक जगह पे पहुंचने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका शूटिंग का काम है, शूट करती हैं आप, कितनी प्रैक्टिस, कितना दिन कैसे बीतता है, दिन शुरू कैसे होता है, थोड़ा एक शेड्यूल अपना। हमारा शूटिंग का शेड्यूल, इनफैक्ट स्पोर्ट्स का सारा सब स्पोर्ट्स का शेड्यूल बहुत ही टफ शेड्यूल होता है हमारा, कि इट्स नॉट अबाउट वन डे, इट्स एवरी डे। हमें हर रोज़ प्रैक्टिस करना होता है एंड नॉट ओनली इन प्रैक्टिस, नॉट ओनली आपका शूटिंग रेंज या भी कोई भी फील्ड में कि आप जाके वहीं पे परफॉर्म करो, सिर्फ उससे नहीं होता, आप सारा दिन उसके साथ स्पेंड करते हो, आपका सोने का टाइमिंग, आपका खाने का टाइमिंग, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, आपका पूरा लाइफस्टाइल स्पोर्ट के हिसाब से बन जाता है। तब जब आपका पूरा लाइफ स्पोर्ट्स रिलेटेड हो जाता है तब असल खेल शुरू होता है। अच्छा, ये एक सवाल अक्सर लोग कहते हैं, पता नहीं आप सोचती हैं कि नहीं ऐसा, मैं ये जानना चाहूँगा। लोग ये कहते हैं कि क्रिकेटर्स को ज़्यादा फेम मिलता है, बाकी जो प्लेयर्स हैं हमारे बाकी खेल में जो लोग हैं उनको कम मिलता है, तो क्या ये प्लेयर इस बारे में सोचता है या उसको इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, बस वो अपना काम करता रहता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो प्लेयर इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम प्लेयर के काम यही नहीं, ये नहीं है कि हम ये सोचें कि कोई दूसरा स्पोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है, वो हम नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हम अपना गेम कैसे करें, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें, हम इंडिया को कैसे प्राउड कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो गेम स्पोर्ट्स में भाग ले रही हूँ वो ओलंपिक इवेंट है जो वर्ल्ड वाइड हम खेलते हैं, तो उसके लिए हम मोर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि हम ओलंपिक तक जाए, ओलंपिक मेडल ला सकें। अच्छा, एक सवाल है कि शूटिंग का जो गेम है वो माना जाता है कि थोड़ा महंगा है, ऐसा कहते हैं लोग, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो कैसे उसका जो फाइनेंस है, उसका जो एक दूसरा पक्ष है, वो कैसे मैनेज करती हैं आप लोग, कैसे आप मैनेज करती हैं? एक ये सबका सोच यही है कि शूटिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है। अगर स्पोर्ट्स अगर आप वैसे देखो तो सारे स्पोर्ट्स एक्सपेंसिव है उनके हिसाब से। आप एक फुटबॉलर को बोलोगे कि आप पहले एक फुटबॉल फील्ड खरीदे फिर फुटबॉल सीखे, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। एंड ऐसे ही हमारा भी है कि हम अपना पहले एक किसी को बोलते हैं कि आप पहले अपना रेंज बनाओ फिर आप शूटिंग करो, तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। तो इसी हिसाब से हम अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अच्छा, अभी काफ़ी अच्छा है, लेकिन और भी आने वाले दिन में और भी अच्छा हो जाएगा, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम एंड लोगों की सोच बदल जाएगी। आप कह रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन गाहे बगाहे इस पर बात उठती रहती है कि खिलाड़ियों को
उतनी सुविधा नहीं मिलती जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। जब मेडल मिल जाता है तो उनको करोड़ों पैसे मिलते हैं, लेकिन जब वो तैयारी कर रही होती, जब मेडल लाने की तैयारी हो रही होती, तब वो सुविधा नहीं मिलती। ऐसा तो बार बार ये बात सामने आती है, क्या सोचती हैं आप? ये कुछ देर सही है, क्योंकि आप पहले आप जान नहीं पाते हो कि कौन चैम्पियन है, इतने सारे करोड़ों प्लेयर्स में कौन चैम्पियन है, कौन आगे मेडल ले आएगा, आप नहीं जानते। तो जो है कि सबको एक बेसिक फैसिलिटी दो, एंड ताकि सबको वो अनुभूति मिले, सब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो फैसिलिटीज़ में अपना प्रैक्टिस कर सके, एंड खुद को जान सके कि वो कितना दूर आगे जा सकता है, एंड उनको वो मोटिवेशन भी दो उसके साथ कि और भी अच्छा करे सब। आपको मिला, आप जब तैयारी कर रही थी, या अभी सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है अभी, टॉप्स का जो स्कीम है उससे, उसमें मैं हूँ, एंड काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उससे, एंड आई होप आगे भी सपोर्ट मिलते रहेगा। चलते चलते कुछ सवाल करते हैं, आप क्या करती हैं फ्री टाइम में, क्या करती हैं मेहुली? जैसे हम लोग करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स देख लिया, सीरियल देख लिए, सिनेमा देख लिया, गाने सुन लिए, आप क्या करती हैं फ्री टाइम में? मैं भी वही करती हूँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, तो मैं सोना पसंद करती हूँ पहले, फिर घूमने जाना या फिर शॉपिंग करना, मूवीज़ देखना, गाना सुनना, यही सब करना होता है। पसंदीदा गाना कौन सा है, कौन सी फिल्म देखी है अभी हाल में? अभी मैं देख के आई नन देखने वाली हूँ, लेकिन अभी देख के आई, अभी रिसेंट जो रिलीज़ हुआ, क्या उसका नाम है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे मूवीज़ देख लिए अभी मैंने। हाँ, गाना पसंदीदा कौन सा है? गाना पसंदीदा हिंदी गाने में अभी दंगल मूवी का गाना बहुत पसंद है मुझे, चक दे इंडिया का गाना बहुत पसंद है, जो हाँ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सारे, एंड पार्टी सॉन्ग्स भी अच्छा लगता है, जो 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 भी अभी नए रिलीज हुए, एंड इंग्लिश सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं। मुझे गाना नहीं आता, कुछ कुछ भी नहीं आता सही में, नहीं आता। सोशल मीडिया को लेकर के बातें होती हैं, अब जो जनरेशन है, हम आप सब लोग जिस जनरेशन में, सोशल मीडिया को लेकर के काफ़ी बातचीत होती है। देखने वालों के लिए हम आपका आईडी नहीं पूछेंगे, लेकिन किस सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा एक्टिव हैं? अभी सच कहूँ तो मैं कोई भी सोशल मीडिया में नहीं हूँ, एंड ये मैं सोशल मीडिया से बाहर हूँ, काफ़ी महीने हो चुके कॉमनवेल्थ से पहले, मे बी फ्रॉम जनवरी लास्ट से मैं सोशल मीडिया से बाहर हूँ सबसे, तो अभी ये तो मैं नहीं कह सकती कि कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ जब मैं यूज़ करती थी तब फेसबुक इंस्टा ये दोनों अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन वो अभी सेल्फी से ज़्यादा मैं और कुछ फ़ोटो का डालना पसंद करती हूँ, एंड लेकिन अभी जो मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती तो अभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, हमारी दुआ है, ये पूरे देश के लोगों की, लड़कों की, लड़कियों की दुआ है कि आप वर्ल्ड नंबर वन बने, अच्छा करें, और जब अच्छा करें तो एक बार फिर आज तक के दर्शकों के साथ, आज तक ऑनलाइन के दर्शकों के साथ बातचीत करें। ज़रूर ज़रूर करूँगी, एंड आप सबके ब्लेसिंग के साथ आई होप मैं आगे बढ़ सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।